फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरा दूसरा रोज़ है। कल मैं शाम को आया था घर पे, तो आते आते अंधेरा हो गया, काफ़ी ट्रेन लेट था। तो आज है दूसरा दिन, तो मैंने सोचा कि आज गांव का ब्लॉग बनाया जाए। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा हमारे यहाँ क्या कहते हैं, आंवले का खेती होता काफ़ी, और हमारे बाग भी हैं जो है महुआ जिसको बोलते हैं, जिसका शराब वगैरह भी बनता है देसी, और ये सब चीज़ें दिखाऊंगा। आम का भी पेड़ है, तो आज अपना गांव का पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा मैं। तो शुरू करता हूं मैं पहले अपने घर से। फ्रेंड्स, ये है मेरा घर, जो कि हम लोग बाहर रहते हैं, जिसके वजह से काफ़ी घास वगैरह उग गया है। तो तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, अभी आए नहीं वापस। मम्मी आएगी तो सफाई वगैरह होगा, तो अभी कोई देख रेख करने वाला है नहीं, इसलिए यहाँ पे भी काफ़ी घास उग गया है बगल में। फ्रेंड्स, हमारा घर बाहर से कुछ ऐसे देखने में है, और ये लक्कड़ जो है हमारे कुछ ठेकेदार हैं बगल में, उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। फ्रेंड्स, आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं, ये पूरा आंवले का बगीचा ही है, और इसमें दिखाऊंगा आपको कि अभी करीब से कि आंवला कितना लगा हुआ है। ये वहाँ से लेके वो उतनी दूर से लेके वो यहाँ तक, इससे पीछे भी काफ़ी है, और इस साइड में भी यहाँ पे आंवले का बगीचा है। अभी मैं आपको करीब से दिखाऊंगा कितने गुच्छे लगे हुए हैं अंगूर की तरह। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंवला लगा हुआ है काफ़ी, और कुछ आंवला इसमें से तोड़ा भी गया हुआ है, और जो दूर था हाथ से हाथ में नहीं पहुंच रहा था उसको अभी रख दिया गया है, बाद में तोड़ा जाएगा। तो अभी आप देख लो ये नज़दीक से पूरा। फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा आंवला लगा हुआ है, पूरा गुच्छा, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे करीब करके। फ्रेंड्स, अभी हमने एक आंवला तोड़ा है, और ये काफ़ी मीठा होता है। वैसे आंवला कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का नाम मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो लिया हूँ मैं, इसको बोलते हैं चकला आंवला, और ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है। इसको मुरब्बा वगैरह बनाते हैं, इसका सबसे ज़्यादा मुरब्बा इसी का बनता है, अगर जैसे कैंडी वगैरह। फ्रेंड्स, आंवले की 3-4 प्रजातियाँ होती हैं, जिनमें से आपको कुछ नाम बताता हूँ। एक तो होता है चकला, एक कंचन, एक फ्रांसीसी, एक नदिया के पार। तो जो है ये 5-6 तरह के आंवले होते हैं, तो सबसे बेस्ट वाला ये होता है जो खाया वगैरह जाता है, खाते हैं, या कुछ बनाना होता हो तो इन्हीं का बनाया जाता है। अभी मैं खा के देखूंगा इसको। ज़्यादा खट्टा नहीं है, ये मीठा भी है। अभी खाने के बाद अगर पानी पिया जाए तो बहुत पानी मीठा लगता है, ऐसा लगता है जैसे चीनी मिलाया हुआ हो। ये हमारे गांव का है मोरिया, मोरिया बोलते हैं इसको सब लोग, गांव वाले हमारे, हम भी बोलते थे। ये पहले पक्का नहीं था वहाँ तक, दरअसल इसमें गांव का लड़का एक डूब के मर गया था, तो उसके बाद ये ग्राम जो प्रधान थे हमारे, उन्होंने इसको पक्का करा दिया ताकि आगे कोई दुर्घटना ना हो। फ्रेंड्स, ये है मेरे गांव से बाहर का सीन, जो काफ़ी दूर तक जंगल जंगल है। उधर मुस्लिम लोग का इलाका है, घर है, और इससे आगे काफ़ी दूर तक जंगली है। अब नीचे भी देख सकते हैं पूरा सरपट है यहाँ पे, और यहाँ मैं थोड़ा ऊंचाई पे खड़ा हूँ, वो उधर हमारा बाग है महुआ का, आम का, और ये खजूर का पेड़ होगा। दोस्तों, अभी आंवले का सीजन है, तो तोड़ा जा रहा है आंवला भी, और सारा तोड़ तोड़ के ये पैकिंग वगैरह हो रहा है इधर बोरे वगैरह में। तो अभी दिखाते हैं आपको, ये बोरे में पैक हो गया है। इसके बाद इसको सिलाई करके सीधे मंडी भेजा जाएगा, वहाँ से ये सारा सेल हो जाएगा। फ्रेंड्स, जहाँ तक इनका हाथ नहीं पहुँचता, तो ये डंडे से पीट के इसको गिरा देते हैं, और फिर उसको बोरे में पैक करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपना बाग, और ये देखिए ये सारा महुआ का पेड़ हमारा, तकरीबन 40 से 50 पेड़ हमारे हैं, बाकी आगे दूसरे लोगों का भी है। ये सारा बगीचा, वहाँ बीच में आम और बेल का भी पेड़ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे काम चल रहा है, और इधर पराली उतारा जा रहा है। तो
फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया अपने गांव घर का सीन। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और वीडियो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।